हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। रेडियंट कंपटीशन क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों के बारे में, ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न ऑलरेडी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन तमाम प्रश्नों का कलेक्शन मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, ठीक है। और यदि आप हमारे वीडियो में नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारा प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। अब मैं आप लोगों के समक्ष प्रथम प्रश्न या पहला प्रश्न को पेश कर रहा हूं। जैसे पहला नंबर है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ए अंजीरा से, बी दंभ सदात से, सी कीली गुल मोहम्मद से और डी मेहरगढ़ से। तो इसका सही आंसर होगा डी मेहरगढ़ से, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, डी मेहरगढ़, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा व्याख्या हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था, ठीक है। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। अगर नवीनतम खोजों के आधार पर देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुड़ादेव है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, डी मेहरगढ़। दूसरा नंबर का सवाल देखिएगा, दूसरा नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ए पुरापाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी ताम्रपाषाण युग, डी लोहा युग। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि ताम्रपाषाण युग। यानी निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा सी ताम्रपाषाण युग। इसका हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं कि ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है, ठीक है। तीसरा नंबर का सवाल देखिएगा, तीसरा नंबर का सवाल है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। ए लाल, बी नीला हरा, सी पांडू, डी नीला। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी लाल। तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो लाल रंग का उपयोग हुआ था, ठीक है। इसका भी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृदभांड। मृदभांड को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण जो है मिलाया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तीन नंबर का ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर का सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। ए ऐतिहासिक काल, बी प्रागैतिहासिक काल, सी उत्तर ऐतिहासिक काल और डी आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी आद्य ऐतिहासिक काल। इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं कि ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है, ठीक है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 BC से 600 BC का कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना गया है।
सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, पांच नंबर का सवाल देखिएगा। पांच नंबर का सवाल कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो ए पक्की ईंट से बनी इमारत, बी प्रथम असली मेहराब, सी पूजा स्थल और डी कला और वास्तुकला। तो इसका सही आंसर होगा ए यानी पक्की ईंट से बनी इमारत। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, पक्की ईंट से बनी इमारत। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छठा नंबर का सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक हरप्पा का बंदरगाह है, ए सिकंदरिया, बी लोथल, सी महास्थानगढ़, डी नागपट्टनम। तो इसका सही आंसर है बी लोथल। ठीक है, इसका हम लोग थोड़ा सा विस्तृत रूप में देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। तो हरप्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हरप्पा कालीन बंदरगाह है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बी नंबर। सात नंबर का सवाल देखिएगा। सात नंबर का सवाल है निम्न में से किस हरप्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है, ए कालीबंगा, बी धौलावीरा, सी वनावली और डी लोथल। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी के बनावली। ठीक है, इसका भी थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। हरियाणा के फतेहाबाद जिले, ठीक है, फतेहाबाद जिले में स्थित वनावली के टेरा वनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। आठ नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। आठ नंबर का सवाल है कि निम्न में से किस हरप्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं, ए कालीबंगा, बी धौलावीरा, सी मोहनजोद्रो, डी लोथल। तो इसका सही आंसर होगा ए कालीबंगा, यानी कालीबंगा से जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जो राजस्थान के हनुमानगढ़ है, ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हरप्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित वनावली से पक्की ईंटों की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। ठीक है, तब नौ नंबर का सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हरप्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, ए आर डी बनर्जी, बी के एन दीक्षित, सी एम एस वत्स और डी वी ए स्मिथ। तो इसका सही आंसर होगा डी वी ए स्मिथ, हरप्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं दस नंबर। बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि ये वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, बी मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है, सी केंद्र के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई है और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उन्हें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। अब इसका थोड़ा सा व्याख्या सुन लेते हैं। बोगज कोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। इसे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर का सवाल कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, ये ऑलरेडी केबीसी में भी पूछा गया है। ठीक है,
ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी, डी परुष्णी। तो इसका सही आंसर होगा डी, परुष्णी नदी के किनारे 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा विस्तृत रूप से जान लेते हैं। 10 राज्य युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी वर्तमान में रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दुह, यदु, पुरु, तुर्वशु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी यानी परुष्णी नदी। ठीक है, परुष्णी नदी को आधुनिक नाम क्या है इसका, तो रावी नदी है। 12 नंबर का सवाल देखिएगा, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, ए 7वां, बी 8वां, सी 9वां और डी 10वां। तो इसका सही आंसर है सी यानी के 9वां मंडल। कौन सा मंडल, 9वां मंडल, ये पूर्णतः सोम को समर्पित है। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, नवम मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। तो नवम मंडल में कितने मंत्र हैं, 114 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं, 114 मंत्र हैं। कौन सा मंडल में, नवा मंडल में। ठीक है, और सभी के सभी सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मूजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ऋग्वेद का जो नवा मंडल है वो सोम को समर्पित है। इसका सही आंसर होगा सी। चलिए 13 नंबर का सवाल देखिएगा, ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। देखिए यहाँ मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, ये होगा ए इंद्र और उनका हाथी, बी उर्वशी एवं स्वर्ग, सी पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, डी सोम और इस पे पर नामांकित देवता। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी कि सोम और इस पे पर नामांकित देवता। ठीक है, 14 नंबर का सवाल देखते हैं। 14 नंबर का सवाल है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, ए उपनिषद, बी भागवत गीता, सी ऋग्वेद और डी यजुर्वेद। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र, इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या देख लें। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है और इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है, यानी गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। 15 नंबर का सवाल देखिएगा, 15 नंबर कह रहा है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये योग, बी न्याय, सी सांख्य और डी वैशेषिक। तो इसका सही आंसर होगा डी वैशेषिक। ठीक है, इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कनाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है, 16 नंबर का सवाल देखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, ए कुंडग्राम में, बी पाटलिपुत्र में, सी मगध में, डी वैशाली में। तो इसका सही आंसर होगा ए कुंडग्राम में, यानी महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 17 नंबर का सवाल, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी, ए राजगीर, बी सांची, सी पावापुरी, डी समस्तीपुर। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी पावापुरी। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईस्वी पूर्व में के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने शरीर त्याग दिया था। तो इसका सही आंसर होगा सी पावापुरी। 18 नंबर का सवाल देखिएगा, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, ए जामाली, बी यूसुफ, सी विपिन, डी प्रभास। तो इसका सही आंसर होगा ए यानी जामाली।
तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जामाली, और उनका वो दामाद भी थे। ठीक है, में से कौन पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ए 12 अंग, बी 12 उपांग, सी 14 पूर्व और डी 14 उपपूर्व। तो इसका सही आंसर होगा सी 14 पूर्व। ठीक है, इसके बारे में देखिएगा तो 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है और अंतिम नंद राजा के समय में शंभूति विजय तथा भद्रवाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था जो पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। ठीक है, 20 नंबर का सवाल देखिएगा। 20 नंबर का सवाल, 20 नंबर कह रहा है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ए लुम्बिनी में, बी सारनाथ में, डी सी पाटलिपुत्र में, डी वैशाली में। तो इसका सही आंसर होगा बी सारनाथ में, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। यानी कि 6 वर्षों के साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे ही बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषि पत्तनम वर्तमान में सारनाथ आए और यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था और यही धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर होगा बी। अब हम लोग देखते हैं 21 नंबर का सवाल, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? ए लुम्बिनी में, बी बोधगया में, सी कुशीनगर में, डी कपिलवस्तु में। तो इसका सही आंसर होगा सी कुशीनगर में, यानी महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली तथा कोसल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कोसल राज्य में हुआ था। कोसल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए मल्ल की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वहाँ चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सुकरम देव खाने को दिया, जिससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई, जिसके वजह से वे कुशीनगर पहुंचे और 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो इसका सही आंसर होगा सी कुशीनगर। 22 नंबर देखिएगा, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ए जैन, बी हिंदू, सी पारसी, डी बौद्ध। तो इसका सही आंसर होगा त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ है। इसका सही आंसर होगा डी, त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया था और इन्हें ही त्रिपिटक कहा जाता है। जैसे विनय पिटक, ये संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं हैं। सुत्त पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के वचन हैं। तथा अभिधम्म पिटक, इसमें दार्शनिक सिद्धांत का जिक्र है। ठीक है, तो 23 नंबर में देखिएगा, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो इसके भी व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। तो इसका सही आंसर है सी। 24 नंबर का सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ए अहिंसा, बी वेदों के प्रति उदासीनता, सी आत्मदमन, डी रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो इसका सही आंसर होगा सी। तो इसका भी व्याख्या हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी।
25 नंबर का सवाल देखिएगा, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? ए तृतीय, बी चतुर्थ, सी पंचम और डी षष्ठम। तो इसका सही आंसर होगा सी, ये पंचम पीढ़ी का है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26 नंबर का सवाल। 26 नंबर का सवाल कह रहा है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? ए आजीविकों ने, बी थारुओं ने, सी जैनों ने, डी तांत्रिकों ने। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी आजीविकों ने। किसने किया? आजीविकों ने। इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपार नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए आजीविकों ने। 27 नंबर का सवाल देखिएगा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? ए आनंद, बी राहुल भद्र, सी मक्खलीपुत्र गोसाल और डी उपाली। तो इसका सही आंसर होगा मक्खलीपुत्र गोसाल। तो 27 नंबर का सी नंबर सही आंसर होगा। इसका भी हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। मक्खलीपुत्र गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। इसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। तो इसका सही आंसर सी होगा। 28 नंबर का देखिएगा, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे? ए उदयन, बी अशोक, सी बिंबिसार, डी महापद्म नंद। तो इसका सही आंसर होगा ए। और पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन थे। अब इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना अजात शत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर से सुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही थी। चलिए देखते हैं 29 नंबर का सवाल, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ए अजात शत्रु द्वारा, बी अकालाशोक द्वारा, सी उदयन द्वारा और डी कनिष्क द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा सी, उदयन के द्वारा। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में भी थोड़ा सा विस्तृत जानकारी लेते हैं। हरियक वंशीय शासक उदयन या उदयभद्र के शासनकाल की सर्व प्रमुख घटना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है। उसने राजगृह से इसी नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। इसके पहले कहाँ था? राजगृह में था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? ए शिशुनाग, बी बिंबिसार, सी अजातशत्रु और डी उदयन। तो इसका सही आंसर होगा डी उदयन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। मगध नरेश उदयन के शासनकाल की सर्व प्रमुख घटना गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना है। उसने राजगृह से इसी स्थान पर अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। तो आज हम लोग इस प्रकार प्राचीन भारत के इतिहास से हम लोग 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखें। ठीक है, यह निश्चित रूप से किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।